हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे। और आज अभी फ्रेंड अभी 11 बजे है और मैं खाना बनाने जा रही हूँ रसोई में। अभी तो मैं रसोई में आ गई हूँ। सवेरे हम लोग नाश्ता वगैरह कर लिए थे और अभी मैं खाना बना रही हूँ। तो मेरे हस्बैंड का ड्यूटी 1 बजे है, तो मैं जल्दी जल्दी भी मुझे खाना बनाना है। तो चलिए मैं आप लोगों से थोड़ा सा शेयर कर देती हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों को और भी कुछ दिखाऊंगी। तो पहले चलिए खाना बनाती हूँ। तो खाना में आज वैसे मैं बना रही हूँ, सब्जी में क्या बनाऊँ समझ नहीं आ रहा था, तो अभी मैं बना रही हूँ बूंदी का जो कढ़ी होता है वो। वैसे उसकी रेसिपी भी मैंने कई बार आप लोगों से शेयर किया है, आज भी थोड़ा सा स्पीड में ही कर दूंगी। और तिवरा भाजी को, जो सूखा वाला जो होता है तिवरा भाजी, उसको बना रही हूँ। क्योंकि एक भाजी तो बनाओगे गर्मी के दिन, भाजी या फिर कढ़ी अच्छा ही लगता है, या फिर कोई खट्टा सब्जी अच्छा ही लगता है। तो अभी ताज़ा हरा भाजी मेरे पास नहीं था, तो मैं सूखा वाला जो भाजी उससे काम चला लेती हूँ। और जैसे आप सभी जानते हैं कि मिट्टी के बर्तन में मैं खाना बनाती हूँ, तो दोनों सब्जी मिट्टी के बर्तन में बनाऊंगी। मिट्टी के बर्तन में बनाने से फ्रेंड्स काम वाली अगर नहीं है तो भी हमारा काम हल्का हो जाता है, क्योंकि कढ़ाई वगैरह बार बार निकलते रहता है। अगर हम मिट्टी के बर्तन में बनाते हैं तो बस उसे ही गर्म पानी से धो दो, आपका बर्तन साफ हो गया। बाकी जो बर्तन है उसे मैं दोपहर में खाना खाने के बाद थोड़ा सा आराम कर लेती हूँ, और शाम को या फिर रात को इकट्ठा मांझ कर रख देती हूँ। क्योंकि अभी हस्बैंड का ड्यूटी दोपहर में चल रहा है, तो रात को वो खाना नहीं खाते, टिफिन लेके जाए रहते, तो मैं शाम को मैं और मेरे बेटा कुछ भी बना के खा लेते हैं। फिर सभी बर्तन को साफ कर कर मैं रख देती हूँ। तो कभी खाना शाम को कर लेती हूँ, कभी रात को कर लेती हूँ, क्योंकि बर्तन थोड़ा सा ही रहता है। और ये देखिए मैं अभी बना रही हूँ सब्जी, तो अभी बना रही कढ़ी, तो ये मीठा पत्ती है। और कढ़ी मेरा बेटा का बहुत फेवरेट है, बूंदी कढ़ी खासकर बहुत फेवरेट है। अभी लॉकडाउन था तो बूंदी नहीं था, तो बहुत परेशान कर रहा था बूंदी कढ़ी के लिए, तो अभी मंगाई हूँ। तो बस वही बनाते रहती हूँ बीच बीच में। तो आप सब जैसे सब जानते ही है, कई बार शेयर की हूँ वैसे ही प्याज मिर्ची और मीठा पत्ती सभी को मैंने डाल दिया है, टमाटर डाल दिया है और नमक डाल दी हूँ। जब टमाटर सॉफ्ट हो जाएगा तो थोड़ा सा मैं दही या फिर मही जो भी आपके पास है उसमें थोड़ा सा बेसन डालकर फेंट लीजिए 1-2 चम्मच, और उसी को मैं यहाँ पर देखिए डाल देती हूँ। एकदम इजी होता है इसे बनाना। वैसे आप लोगों से मैं कई बार शेयर कर चुकी हूँ, नहीं देखे तो कढ़ी रेसिपी प्ले लिस्ट में आप लोग देख लीजिएगा, डिटेल देखना है तो। देखिए जब ये बॉइल होगा तब हम इसमें डाल देंगे जो हमारे पास बूंदी है वो। और यहाँ पर मैं थोड़ा सा धनिया पाउडर दी हूँ। वैसे कढ़ी सादा सिंपल ही बनता है, ज़्यादा कुछ नहीं डलता है, बस प्याज मिर्ची का फोड़न डाल देते हैं। हींग और सरसों डालना है तो स्टार्टिंग में डाल देते हैं, उसका प्याज मिर्ची का फोड़न डाल के मीठा पत्ती डाल देते हैं। और जब थोड़ा सा हो जाता है तो वहाँ पे डाल देते हैं थोड़ा सा हल्दी पाउडर, और उसके बाद डाल देते हैं टमाटर। टमाटर जब सॉफ्ट होता है नमक डाल देते हैं, नमक डालने के बाद सॉफ्ट होता है तब हम दही मही जो है वो डाल देते हैं, और जब बॉईल होता है तब बूंदी डाल देते हैं। बस हमारा कढ़ी बन के तैयार है, गैस को बंद कर दीजिए। अब मैं यहाँ पर बनाने जा रही हूँ तिवरा भाजी। तो ये सूखा तिवरा भाजी है, तो इसके लिए मैंने थोड़ा सा दाल जो है वो भिगा दिया था, जैसे कि तिवरा दाल जो होता है उसे, और यहाँ पर भाजी डाल दी है। तो देखिए एकदम फटाफट से बन जाता है, जब भी सूखा भाजी हम अगर बनाते हैं तो एकदम जल्दी बन जाता है। और यहाँ पर थोड़ा सा टमाटर का पाउडर डाल देती हूँ, टमाटर पाउडर मैं स्टोर करके रखी थी। तो ये भाजी वगैरह अगर बनाते हैं, दाल फ्राई भाजी, उसके लिए बहुत अच्छा होता है, या फिर भरवा सब्जी भी बहुत ही अच्छा होता है। और यहीं लगे हाथ में यहाँ पर थोड़ा सा किचन पाटा मेरा थोड़ा गंदा हो जाता है, तो इसे मैं साफ भी करते रहती हूँ बीच बीच में, क्योंकि ये जो व्हाइट नैनो नैनो जो लगवाई हूँ किचन पाटा में, बहुत अच्छा लगता है, फटाफट से साफ हो जाता है, ज्यादा मेहनत नहीं लगता है। एकदम बस गीला कपड़ा से ऐसे पोंछ दो, अगर सूखा कुछ चीज है तो एकदम साफ हो जाता है। तो बस ऐसे ही साफ कर देती हूँ, काम वाली नहीं रहने से थोड़ा सा काम बढ़ जाता है, क्योंकि आप सभी जानते ही है कि वीडियो वगैरह का काम में भी थोड़ा टाइम लगता है और एडिटिंग वगैरह में भी टाइम लगता है। तो काम वाली नहीं रहने से काम को सर समेटना पड़ता है, तो इसीलिए मैं इसे खाना बनाते बनाते ही थोड़ा सा पोंछते रहती हूँ। और यहाँ पर देखिए मेरा भाजी जो है थोड़ा सा गाढ़ा हो गया, मतलब इसका पानी जो है सूख गया है। जब पानी इसका सूख जाता है तब हम गैस को बंद कर देते हैं, और ठंडा होने के बाद इसे बस हम तड़का लगाएंगे। चलिए एक साइड में मैं चावल बना रही हूँ। मेरी एक सब्सक्राइबर है जिन्होंने मुझे पूछा था कि चावल जो है मतलब ऐसे जब पतीला वगैरह हम बनाते हैं माड़ निकाल के कैसे बनाते हैं, क्योंकि उससे कुछ ज्यादा पक जाता है तो टेस्ट नहीं आता है। तो वही मैं इसलिए मैं मतलब रिक्वेस्ट था फ्रेंड उसका कि मैं थोड़ा सा उससे शेयर करूं कि मैं कैसे बनाती हूं, इसलिए मैं ये बात थोड़ा सा बता रही हूं कि चावल कैसे बनाती हूं। और चावल मेरा जब तक बना तब तक मैं भाजी को थोड़ा तड़का लगा लेती हूँ। तो तड़का लगाने के लिए यहाँ पर एक कढ़ाई, वही जिसमें बनाई थी मैं, उसमें थोड़ा सा तेल डाल देती हूँ। सरसों तेल यूज़ कर रही हूँ मैं हमेशा, सरसों तेल ही मुझे अच्छा लगता है यूज़ करने के लिए। और इसमें थोड़ा सा लहसुन और मिर्ची का तड़का डाल देते हैं। कोई भी भाजी अगर कोई भी बनाते हैं, चाहे हरा भाजी हो चाहे सूखा वाला हो, उसमें ज्यादातर हम लोग लहसुन मिर्च का ही तड़का देते हैं, क्योंकि लहसुन मिर्च का तड़का से ही उसका स्वाद बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। प्याज तो कुछ कुछ भाजी में डलता है, हर भाजी में प्याज नहीं डालते, क्योंकि टेस्ट मुझे अच्छा नहीं लगता है और टेस्ट वैसे अच्छा भी नहीं आता है। और जब तड़का अच्छे से होता तड़क जाए तब हम इसे भाजी डाल देते हैं। थोड़ा सा मिर्ची पाउडर डाल दीजिए, अगर आपको थोड़ा सा स्पाइसी चाहिए तो नमक डाल दीजिए। बस आपका भाजी तैयार है। थोड़ी देर से पकाते हैं, थोड़ी देर पानी है, जब तक थोड़ा बहुत तब तक थोड़ा सूखा होते था, फिर गैस को बंद कर दीजिए। आपका भाजी देखिए बनकर तैयार है, बन गया ना झटपट भाजी।
तो चलिए मैं देख लेती हूँ मेरे चावल को। तो मेरा चावल भी पक गया है, देख सकते हैं चावल जो है पक के ऊपर आ गया है। और इसमें हम जब चावल को चेक करते हैं तो कम से कम 95% हमारा चावल कुक होना चाहिए, एकदम पूरा कुक नहीं होना चाहिए, क्योंकि ज्यादा पूरा पक जाएगा तब हम अगर इसे मार निकालते हैं तो मार निकालते तक गरम गरम में क्या होता है और ज्यादा एकदम पक जाता है, जिससे कि खिला खिला नहीं बनता है, एक दूसरे से एकदम चिपक जाता है। तो जब भी आपका चावल या तो 90% या फिर 95% आपको पक गया है, मतलब एकदम थोड़ा सा बस पकाना बाकी है, वैसे ही आप गैस को बंद कर दीजिए। और उसके बाद इसमें देखिए, मैं चावल मेरा तो पूरा नहीं पका है, इसको आप दबा कर देखेंगे तो थोड़ा सा मतलब एकदम ज्यादा नहीं दबता है, मतलब ज्यादा नहीं पका रहता है दाना जो है, तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखें। और किसी किसी थोड़ा सा नरम खाना पसंद है तो थोड़ा सा ज्यादा और पका सकते हैं, पर इस टेक्निक से बहुत अच्छा खिला खिला बनता है। और अगर आप चाहे तो इसमें एक नींबू का रस यहीं पर निचोड़ दीजिए, जिससे कि आपका दाना जो है खिला खिला बनेगा, और नहीं तो आपकी इच्छा। और उसके बाद मैं यहाँ पर इसका जो माड़ है उसके अलग निकाल लेती हूँ। तो बस यहाँ पर सावधानी से करना होता है, क्योंकि कभी कभी माड़ जो है इधर उधर से निकलने लग जाता है, हाथ में अगर पड़ जाए तो एकदम बहुत ज्यादा जल जाता है, तो थोड़ा सा सावधानी करना पड़ता है माड़ माड़ के लिए। तो मैं भी थोड़ा सा सावधानी से थोड़ा बड़ा सा अच्छे से कपड़े से इसे पकड़ती हूँ, और दबा कर पकड़िए दोनों साइड से, नहीं तो चावल जो है नीचे गिरने लग जाता है। तो आपको अच्छे से इसे पकड़ना होता है यहाँ पर। और उसके बाद इसका जो माड़ है इसको अलग होने दीजिए। जब माड़ मतलब पूरा निकल जाए, थोड़ा सा भी न बचे, जब हम उठा कर देखते हैं गंजी को तो एक बूंद दो बूंद ऐसे टाइप से गिर रहा है, मतलब हमारा जो माड़ पूरा निकल गया है। तो देखिए अभी लाइन एकदम तार से गिर रहा है, मतलब अभी भी इसमें पानी है। तो मैं थोड़ी देर इसे और कर लेती हूँ। वैसे कई प्रकार से चावल बनाने का टेक्निक होता है, तो धीरे धीरे मैं शेयर करूंगी, ज्यादातर मैं ऐसे ही बनाती हूँ। और जिससे इस टाइप से नहीं बनेगा उसके लिए भी कभी मैं शेयर कर दूंगी कि उसे क्या करना चाहिए उसके लिए। तो देखिए बन गया, अब इसमें बिल्कुल भी माड़ निकल नहीं रहा है। तो अब थोड़ा सा इसे हम चावल को सेट कर लेते हैं हिलाकर, और इसे गैस को चालू करके फिर रख देते हैं। तो देखिए गैस को मीडियम आंच या फिर एकदम कम में रखिए, थोड़ी देर रखना है हमको, 3-4 सेकंड रखना है, ज्यादा देर नहीं रखना है। उससे क्या होता है थोड़ा बहुत जो पानी है वो सूख जाता है, और आपका चावल जो है एकदम शाम शाम तक भी एकदम अच्छा बना रहता है, बिल्कुल भी पिच पिच टाइप से नहीं होता है। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। अभी हो गया है शाम, और अभी मैं आपको खाना खाने के बाद थोड़ा सा आराम कर रही थी फ्रेंड्स। और अभी मैं मतलब अभी कितना बजे हैं, अभी बज रहे हैं 6, तो 6 बजे है, और अभी मैं बना रही हूँ अपने लिए चाय बना रही हूँ। तो वैसे चाय तो मैं कभी कभी दूध का बनाती हूँ, कभी लाल चाय बना लेती हूँ, तो आज मैं सोची कि चलो दूध का बना लेती हूँ, तो आज मैं दूध वाला चाय बना रही हूँ। दूध वाला चाय वैसे शाम को मैं कभी कभी पीती हूँ, और सवेरे तो ब्लैक टी मतलब हर्बल टी जो मैं आप लोगों से शेयर करती रहती हूँ वो बनाती हूँ, कभी हुंजा टी, कभी जो मैंने बनाया था अर्जुन छाल का काढ़ा, वो तो वो सब कुछ कुछ बनाती हूँ। और सवेरे खासकर कभी कभी मन करता है तभी दूध का, नहीं तो सीधा अदरक वाला ही काढ़ा टाइप से बना के पी लेती हूँ। तो चलिए मैं आपको अभी चाय पीने के बाद मैं आपको ले जाऊँगी छत में, और छत में वहाँ पर मेरे पास जो बड़े बड़े गमले हैं सब्जियों के लिए, उसमें मिट्टी जो है उतना अच्छा नहीं है, तो उसे मैं खाली करूँगी, और उसमें कुछ नया मिट्टी जो कि मैं यहाँ पर खाद डाल के बनाई थी उसको डालूंगी, और उसमें हम लोग फिर उगाएंगे पेड़। तो सभी वीडियो मैं आपसे शेयर करते रहूँगी, तो वीडियो पर ज़रूर बने रहिए। तो चलिए पहले मैं चाय पीती हूँ, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। तो ये देखिए मेरा चाय जो है बन गया है, एक ही कप बना रही हूँ अपने लिए। अब चलिए इसे मैं डाल लेती हूँ। तो ये देखिए मैं गार्डन में आपको ले आई हूँ ऊपर, अभी चाय पीकर गार्डन में आई हूँ। बस शाम को सोच रही हूँ कि मिट्टी को धीरे 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 खाली करूँ, और ऐसे करते करते देखिए टाइम हो जा रहा है, मतलब गर्मी था तो आने की इच्छा नहीं होता था, और अब बरसात भी आने वाला है, तो बरसात के पहले मुझे सभी गमलों को, मिट्टी जो है उतना अच्छा नहीं था तो सभी गमलों को खाली करना। और यहाँ पर देखिए अपने से करेले का पेड़ उगा है, और चंदेनी गेंदा जो बोलते हैं वो भी अपने से उग गया है उस गमले में, उसे मैं बाद में दूसरे गमले में करूँगी जब मिट्टी अच्छे से चेंज हो जाएगा। तो चलिए आज मैं मिट्टी को खाली कर लेती हूँ, तो यहीं पर थोड़ा बैठ जाती हूँ, क्योंकि अभी भी थोड़ा सा अभी मतलब 6-6:30 कुछ हुआ है टाइम, और जब तक अंधेरा नहीं होगा तब तक जितना गमला मेरे से हो पाएगा उतना करती हूँ। और मिट्टी थोड़ा सा देखी निकालने में, मतलब मैं टूल मंगा रही थी फ्रेंड, गार्डन टूल जो आता है अमेजोन से, पर अभी सोशल डिस्टेंसिंग के कारण से ऑर्डर नहीं हो रहा है, मतलब कैश ऑन डिलीवरी नहीं हो रहा है, प्रीपेड तो मैं करती नहीं हूँ, तो इसलिए नहीं हो पा रहा है। कुछ था नहीं किसमें निकालूँ, समझ नहीं आ रहा था, तो मैं इसी से कर रही थी। तो प्लीज़ आप लोग फालतू का कमेंट मत करिएगा, कई लोग होता है जो फालतू फालतू कुछ भी कमेंट करते रहते हैं, तो मुझे जो ठीक लग रहा है मैं शेयर कर रही हूँ। आप लोग कोई भी यूट्यूबर को कुछ भी ऐसे वैसे कुछ भी कमेंट कर देते हो, कोई भी अपना जब शेयर कर रहा है जिसको जो ठीक लग रहा है वो कर रहा है, तो नहीं देखना तो आप लोग मत देखा करो प्लीज़, लेकिन फालतू का कमेंट मत किया कि करो। तो इसमें देखिए आलू निकल आया है, आलू मैं यहाँ पर जो खराब खराब जो आलू हो जाता है कभी कभी, जो एकदम जड़ जड़ निकल जाता है,
जो खाने लायक नहीं रहता है, तो मैं उसको यहीं पर डाल देती थी गमला में। तो उसी से देखिए, ये देखिए कितना छोटा सा आलू, तो इसी से छोटा छोटा आलू और बनाया है। आप भी ऐसा कर सकते हैं, आपके पास तो गमला है या कोई जगह खाली है, तो जो खराब आलू होता है उसे फेंकने की बजाय ऐसे आप मिट्टी में दबा दीजिए, तो उससे क्या है आलू निकल आता है। उससे मतलब एक आलू से आपका 8-10 आलू तो बन ही जाता है, और मस्त आपका ताजा ऑर्गेनिक घर का हो जाता है। तो आप एक बार ऐसी ट्राई करके देखिएगा, और अगर आप भाजी खाने के शौकीन हैं तो उससे उसके पत्तों का बहुत ज्यादा टेस्टी सब्जी बनता है। एक बार मैं शेयर भी की थी आलू के पत्तों की सब्जी, और ये देखिए ये आलू जो है थोड़ा सा खराब टाइप से है, तो इसको फेंक देती हूँ। और बस सभी मिट्टी को मैं ऐसे ही खाली करूंगी। तो मेरे पास कुल ऐसे 12 गमला है ऐसे स्क्वायर शेप में, और 6 रेक्टेंगल शेप में, मतलब 6 रेक्टेंगल 6 स्क्वायर, तो 12 टोटल 12 गमले हैं, जो कि बड़े साइज के हैं, जिसमें मैं सब्जी उगाऊंगी। और आप मेरे ब्लॉग्स पे बने रहिए, मैं क्या क्या सब्जी उगाऊंगी, कैसे उगाऊंगी, सभी मैं आप लोगों से शेयर करती रहूंगी। क्योंकि मैं मुझे छत में, मतलब हम लोग गार्डनिंग का बहुत शौक है मेरे को और मेरे हस्बैंड को, तो हम लोग ना बड़ा बड़ा गमला ऐसे ही खरीद के लिए आए हैं, और भी बहुत सारा गमला है। लेकिन सब्जी उगाने के लिए हम लोग पिछले साल कोशिश किए थे, तो मिट्टी उतना अच्छा नहीं था, मतलब सब्जी उगा था पर ज़्यादा बड़ा नहीं हो पा रहा था। तो इसीलिए मैं इसका मिट्टी को इस समय चेंज कर रही हूँ, और इसके लिए कंपोस्ट खाद जो होता है, गोबर का जो जैविक खाद, वो भी मंगाई हुई हूँ। और जो भी हम लोग सब्जी या साग सब्जी जो साफ सफाई करते हैं, भाजी वगैरह, तो उसका जो वेस्टेज जो होता है उसे भी मैं खाद बना रही हूँ, तो सभी को इसमें डाल दूंगी। तो अभी मेरा शाम हो गया है फ्रेंड, और मैं 3 गमले को खाली की हूँ, बाकी को कल करूंगी क्योंकि अभी अंधेरा हो गया है। तो चलिए अब मैं वीडियो को यहीं पे खत्म कर रही हूँ। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो ये था आज का मेरा दिन भर का काम, कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए अगला वीडियो मिलते, तब तक लिए बाय, टेक केयर दोस्तों।